हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप रबिया? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाँ, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा, हम जो पेंटिंग बनाएंगे इसका साइज रखेंगे 30 इंच बाय 18 इंच। ठीक है, अब हम इसको वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रवि, मुझे ना ज़रा कंपास दे दें। अच्छा, आपने अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो कॉर्नर पे दायरा देना है। सबसे बड़ी बदतमीजी होती है जब आप विजिबल दायरा कॉर्नर पे दे देते हैं पेंटिंग पेंटिंग में। यहाँ आप कॉर्नर पे जब भी दायरा बनाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट उसे अरिबा कुछ बेहतर है। अब ये देखिए, ये अब अगर आपने अव्वल तो गैर ज़रूरी तौर पे कॉर्नर में 25% दायरा लगाना ही नहीं है, और अगर बहुत मजबूरी है तो उसे विजिबल कलर्स नहीं दे दें। ठीक है, डिम रखने हैं ताकि उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस ना हो। ठीक है रबी, अब हम शुरू करते हैं। कलर्स के बारे में तो बच्चों को बता दिया था, हम शुरू करते हैं बर्न पेपर टेक्निक। बर्न पेपर टेक्निक में हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ ये याद रहे कि ये जो हम आपको कैलीग्राफी सिखा रहे हैं ये सिंपली खते सुल्च पे है, यानी इसमें जो भी काम किया जाएगा वो सिर्फ खते सुल्च में किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए 18 इंच बाई 30 इंच में राबी हमारे पास जो है वो पेंटिंग है कैनवस। अब हम इसमें करेंगे क्या राबी, यहाँ लिखेंगे सूरह इखलास, यहाँ लिखेंगे लोहे कुरानी, और यहाँ पर हम एक दायरा बनाएंगे। उस दायरे से पहले हम इसकी कलर स्कीम स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे कि आज हम इसकी कलर स्कीम कौन सी जो है वो यूज़ करें। आप सबका क्या ख्याल है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आपके पास इसकी ऑप्शन है, आप काइंडली बताइए कि हम इसमें कौन सी कलर स्कीम यूज़ करें। सर, इसका साइज दोबारा बता दीजिए। 18 बाई 30, 18 बाई 30। व्हाइट गोल्ड एंड ब्लैक इट लुक्स, ये वो स्टूडेंट है जो हमारे पिछले ग्रुप्स में है, उनमें से कोई बच्चा है, बता सकता है कौन है? जी सर, मिसेस अफजाल हकी। पता था मुझे कि ऐसी मैच्योर कलर स्कीम जो है वो एक तजर्बाकार स्टूडेंट का काम है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, अब इस तरफ से भी हम इसे 4.5 इंच ही रखेंगे। ठीक है राबी, ज़रा यहाँ पे आप कैमरा देखें, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। रिकॉर्डिंग तो जा रही है ना इसकी, ये देखिए। अब ये हमारे पास राबी हो गया है एक चौरस बॉक्स जो हर तरफ से, ये देखिए राबी, आप देख रही? Yes, sir, course, sir. अब हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइनों को मिला देंगे आप इसमें राबी, बिल्कुल स्ट्रेट। एज यू कैन सी ये लाइन सीधी लगी हुई है, ये देखें, ये एक चौरस नुक्ता है लेकिन चौरस नहीं है, इसकी ये लाइन आपस में स्ट्रेट है,
और ये लाइन आप इसमें स्ट्रेट है। अब मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट नुक्ता लगा देना है यहाँ पे, बिल्कुल ये देखिए, ठीक है। आप ये देखें इसकी जो, ये देखें यहाँ पर ये जो, ये देखिए इसकी ये शक्ल बन गई, यानी छः कोनों वाला तीन, तीन छः और आठ कोनों वाला एक बॉक्स बन गया। अब आपके पास सिर्फ ये कटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल स्क्वायर। अब इसकी जो शक्ल है वो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे दिखा दूँगा बाद में, पहले हम इसे पेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये है पैथलो ब्लू रवि, अब पैथलो ब्लू। और जो हमारे दूसरे जर्नल व्यूवर्स होंगे ना, वो कहेंगे सर कलर कौन से इस्तेमाल किए हैं, जबकि स्टार्ट में मैंने कैनवास का साइज़ बताया कि 18x30 इंच है, फिर लिखा आएगा मैसेज सर कैनवास का साइज़ तो बता दें। और खैर चलें, ये है जनाब हमारे पास क्रियोलियन ब्लू 455 स्काई ब्लू, ठीक है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे येलो ऑकर, रबी ऑरेंज भी दे दें। स्टार्ट में इस पर थोड़ा सा शावर के साथ पानी लगा लें, अगर आप शावर के साथ नहीं लगा रहे, आपके पास बड़ा ब्रश है तो आप इसको बड़े ब्रश के साथ पानी लगा दें थोड़ा, ताकि इसमें हमने स्ट्रोक वर्क करना है। रबी हमने पानी इसलिए लगा दिया था ताकि ग्राउंड चंबल ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। ये देखिए, अब इसमें हमने स्ट्रोक वर्क भी रखना है ना रबी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए हमने पैथलो ब्लू में ब्लैक डाल लिया था थोड़ा रबी, ठीक है। ये सब जो है ना, आप नोट कर लें बेटा कि पैथलो ब्लू में हमने ब्लैक डाल लिया था। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी है इसमें। श्योर, पूछे। बेटा, इसकी प्रिपरेशन में मैंने एक्रेलिक यूज किया, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो यूज अवेलेबल है। ये मेरा अपना प्रिपेयर किया हुआ कैनवस है और इसकी क्वालिटी ये है, आप ज़रा ये देखिए, रबी जूम करें, ये देखें जी, ये देख लीजिए, ये मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, ये आपको खुद बताएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की प्रिपरेशन हो तो उसके लिए आपको एक्रेलिक जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना होगा, ठीक है। सर एक सवाल है, जो इतना बड़ा जो आपने अनित लिखा है, इसके साथ जो नुक्ते बनाते हैं, जो कट होते हैं, वो किस तरह, मतलब उसका किस तरह प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं? ये तो मैंने वैसे ही लिखा था ना, जब आपको क्लास दे रहा था उस वक्त लिखा था, अभी तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो ये है। वैसे आपका जिस साइज का ब्रश है उसी से आपने उसकी मेजरमेंट करनी है ना, ठीक है, ठीक है। आप प्रिपरेशन में कैनवास की जेस्टो यूज कर सकते हैं ना? एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जेसो के बारे में पूछते हैं, मेरा जीरो एक्सपीरियंस है जेसो, मैं प्योर जो हमारा जो जिसे कहें प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं, और ये मैं आपको इसीलिए प्रोफेशनल टेक्निक्स देता हूं कि आप ये जेसो वैसो से निकलें, और उसमें ट्रैवलिंग इतनी नहीं होगी जेसो में। जी सर,
बिल्कुल नहीं होती सर, वो मैंने वो फौरन सक कर देता है कलर को। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको कैमरा उतार के दिखाएं तो कितनी शाइनिंग है मेरे कैनवस में, बिल्कुल लाइक मिरर फिनिश है ये, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कैनवस पे अभी से लैकर किया, लैकर किया हुआ है, हालांकि हमारी ये तो इब्तदाई प्रिपरेशन है। यही आपकी सबसे याद रखिए, अगर पिच जो है वो ग्रासी होगी, अगर उसमें अनइवन बाउंस होगा, अगर बहुत ज़्यादा वेट पिच होगी तो आपको बैटिंग करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी, और बहुत कम होगा जो डबल फिगर में दाखिल होंगे, वो बहुत कम बैट्समैन होंगे। अगर आपके पास ड्राई एंड बाउंसी पिच है, आपको टाइम दे रही है वो पुल हुक कट लेट कट शॉट मिड विकेट हर तरफ खेलने का, यही हिसाब है कि आपके पास आपको जो सरफेस है जो पिच है वो कैसी अवेलेबल है। अगर ये आपको सपोर्ट कर रही है पिच, तो फिर आपको इसमें खेलने का मजा आएगा। अगर आपको पिच पे ही समझ ही नहीं आ रही, एक बॉल जो है बिल्कुल लो रह रही है, दूसरी एकदम अनइवन बाउंस आ रहा है, तो वो उसमें आप सिर्फ अपने आप को बचाएंगे कि किसी तरह मेरे लग ना जाए बॉल, ठीक है। इसलिए अपनी बेहतरीन कोशिश ये करें कि आप क्रिकेट खेलेंगे, कैनवस जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी रखें, ठीक है। अच्छा रवि जी एक बात और आपने यहाँ पे देखनी है, हमने 50% नहीं रखना इसको ना, नेवी ब्लू को 50% से ज़्यादा रखना है, यानी पेंटिंग हमने अपने हाथों से अपनी आंखों से सेंट्रलाइज नहीं कर लेनी, यहाँ पे कोई चीज़ सेंट्रलाइज नहीं है रवि। yes. आप ये चेक कर लें, ये आउट है, इधर से आउट है, ये आउट है, इधर से आउट है, हर चीज़ यानी जल थल है, ये है पेंटिंग, ठीक है। अगर मैं ये दायरा बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस रख के लगाता, ये चली जाती कैलेंडर स्टाइल में, प्रिंटिंग स्टाइल, जो कि पेंटिंग से आउट है, ठीक है। बस आपने इस बात को याद रखना है, आपसे मुराद सब पेंटिंग भी है और लाहौर कैलेंडर्स भी है, हर तरफ से आउट है। हाँ जी, ये लाहौर कैलेंडर भी हर वाकई है, सही। सर माशाल्लाह आपको क्रिकेट का कितना नॉलेज है सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप छक्के चौके मेरे मार रहे थे, बल्ले ना टच नहीं हुई, छक्के चौके मेरे मार रहे। नहीं सर, एक लगा था सिक्सर आपका ना, वो मैंने सबसे पहले डाली थी। अच्छा, और मैंने उसमें कहा था माशाल्लाह सर अच्छी खेल लेते हैं आप तो क्रिकेट। हाँ जी मुझे अच्छा, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको शायद पहले क्या किया, क्या करें आपस में बात कर रहे हैं। ये ना मैं ये समझता था रबी के ये जो लड़के खेल रहे हैं ना, इनको मैं दबा के मारूंगा क्रिकेट में ना, उन्होंने मेरे पल्ले नहीं पड़ने दी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार वाकई मैं ना अब बहुत ज्यादा एजेड हो गई, हालांकि क्रिकेट बहुत खेली ना, बहुत खेली। अच्छा माशा, तो बस लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं क्या ये बच्चे हैं ये तो अगले ना मेरे पल्ले नहीं पड़ने दी, बहुत सबको नहीं आ रही, नहीं आपकी आपको नहीं आ रही, बाकी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैं नौशीन बात कर रही हूँ, ये कैनवस का साइज क्या बताया था आपने? अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब करे, आमीन। 18x30 सबको अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, ये सबसे अच्छी दुआ है जो आप इंसान को जिंदगी में दे। हमने एक जहन बना लिया था कि जो फौत हो जाता है उसे कहते हैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसकी जिंदगी में उसे नवीद दो, खुशखबरी दो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। बिल्कुल सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये दुआ दे वो माइंड कर जाते। हाँ जी नहीं, लेकिन मैं जरूर दे देता हूँ भाई, बाद में माइंड करे उसे बाद में दलाइल दे के साबित कर देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मान भी जाते हैं।
ये कौन सा कलर है जी? ये येलो ऑकर है बेटा, अल्लाह माफ करे, ए भी नहीं पता था जी। जी मुझे भी एक्रेलिक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए राबिया जी। आप में से कोई पूछ रहा था कि ये ग्लू, वुडन ग्लू और एक्रेलिक सेम चीजें हैं? नहीं, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। एक्रेलिक जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और लगने के बाद भी वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है अप्लाई करने के बाद। हो तो ग्लू भी जाता है लेकिन उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट सा होता है। और ये दोनों सेम नहीं होते, वुडन ग्लू भी सूटेबल नहीं है किसी भी तरह प्रिपरेशन के लिए। उसमें तो ट्रैवलिंग नहीं होती इसकी कलर की। उससे आपका ब्रश जो है वो बार बार चिपकता है और ब्रश चलता नहीं है, स्ट्रोक्स नहीं आते अच्छे। तो इसमें ये जो एक्रेलिक कौन सी कंपनी का मैंने? एक्रेलिक की कोई कंपनी नहीं है, वैसे ये मार्केट में मिल जाता है ऐसी D18 के नाम से। किस नाम से? D18 डी फॉर डॉल। क्रॉस कलर, ये जो मैं ऑरेंज अप्लाई करूँ ना राधी, इसे कहते हैं क्रॉस कलर लगाना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सना बात कर रही हूँ जी। करी जाओ बेटा। हाँ सर, ये जो आपने एक्रेलिक कलर बनाई इसमें वाटर कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है? ये आप कैनवस की सरफेस पे डिपेंड करता है, आपके कैनवस की ट्रैवलिंग कितनी है और कैनवस कितना ग्लॉसी है, ये देखिए। और ये समटाइम्स आपके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टेक्सचर चाह रहे हैं। यहाँ से ये इस पे भी मेरी डिस्कस हुई थी कि रे और नून और मीम में क्या फर्क है, ये देखें। सर मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर जी पूछिए। नहीं लगता था क्या हुआ और सवाल। हाँ जी सर, जब आप पहले कैनवस बनाते थे, अभी तो आप कैनवस प्रिपरेशन के लिए एक्रेलिक यूज करते हैं, कैसे पहले जब एक्रेलिक नहीं होता था फिर आप क्या यूज करते थे? फिर हम आप शुरू से ही एक्रेलिक यूज करते हैं? वैसे तो मैं शुरू से एक्रेलिक भी यूज करता हूँ, एक्रेलिक से पहले एक केमिकल था बाइंडर। अब आपने करना क्या है, कते सुल्स में पूरी कलम का इस्तेमाल रखना है, यानी मैं आपको पहले भी बता के गया था जब आपको कलम की कैलीग्राफी सिखाई थी कि कते सुल्स में आधी कलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी आपने जहाँ भी कलम अप्लाई करनी है वो पूरी कलम लगनी है। सबसे ज़्यादा इसकी आसानी ये है, यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल पूछना था जी। हाँ जी पूछिए।
सर मैं आपका एक क्लिप देख रही थी फेसबुक पर जिसमें आप मेरे ख्याल में कोफिक स्टाइल में लिख रहे थे गोल्डन कलर्स से जी बिल्कुल और उसमें आप परकजा यूज कर रहे थे हाँ जी और मुझे ये पूछना है कि अगर हमें उस फॉन्ट में लिखना हो तो क्या आप परकजा यूज करें आम ब्रश यूज नहीं कर सकते मैं परकजा दिखाऊंगा रवि जी परकजा दिखाऊंगा इतने लॉन्ग हेयर होते हैं परगदे के इतने लंबे बाल होते हैं और ये हाल होता है इसका जब आप इसको इसको कंट्रोल इसको सारा अपने अपनी आर्टिस्ट फिंगर और अपनी रिस्ट से कंट्रोल कर रहे हैं यानी ये आपको बिल्कुल टाइम नहीं देगा हल्का सा मिस यूज़ करेंगे तो ये लफ्ज़ को ख़राब कर देगा ठीक है पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें फिर आप इसे यूज़ करें खरीद ले खरीद के इसके इसको जैसे आपने एल्फी से पहले जो ब्रशेस प्रिपेयर किए थे क्या परकजा को भी प्रिपेयर करते हैं हरगिज नहीं करते अल्लाह रहम करे हमारे सब के हाल पे आमीन इसको अगर आपने एल्फी दिखाई तो ये फिर उसी जगह रह जाएगा और किसी काम के नहीं लेकिन आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान ने एक इंसान ने काम किया और दूसरा वो कर नहीं सकता ये सिर्फ हमारी सोच है इसको करना अच्छा चाहिए सर ये जो आप मार्कर यूज कर रहे हैं तो इनके कलर की जो लाइफ होती है वो उतनी ही होगी ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म के लिए ही जब आप इसे लैकर से प्रोटेक्ट कर देंगे ना जब आप इसे लैकर से प्रोटेक्ट कर देंगे तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा ठीक है ये फिर कहीं भी नहीं जाएगा लेकिन आपने मार्कर पे वार्निश नहीं अप्लाई करनी लैकर पे आपने मार्कर पे आपने स्प्रे करना है लैकर वलम यकुन लहू ठीक है ये आपको सीख लेना चाहिए कि अगर मिस्टेक हो जाए तो आप इसे कैसे कवर कर सकते हैं आवाज आ रही है आपको अच्छा सर कलम से जो हम राइटिंग करते हैं तो वो हरूफ की जो फॉर्मेशन है जो हम कलम चलाते हैं आगे या पीछे तो इसका मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना आप आगे से पीछे पीछे से आगे भी लेके आ रहे हैं तो ये कलम वाली मोशन को तो फॉलो नहीं कर रहे ना देखें कलम में ये होता है कि कलम आपको अल्फाज बनाना सिखाती है ठीक है आप एक हदूद दे देती है आपको आपने इसे तजावज नहीं करना जब आपको अल्फाज बनाने आ गए आप चाहे ब्रश से बनाएं आप इस परगजे से कभी स्ट्रेट नहीं लिख सकते आधा इधर से लिखना होगा और आधा इधर से लिखना होगा इसी तरह जब आप इस पे कलम से लिखें या मार्कर से लिखें आधा आपको वापस लाना पड़ेगा उल्टी साइड से क्योंकि ये कैनवस है ठीक है असल बात ये होती है उससे लिखने से कि ये आपको राइटिंग के असूल सिखाती है कलम ठीक है ताकि आपने इतने एरिया से तजावज नहीं करना सही ठीक है अच्छा सर एक और चीज बताएं कि जो नुकात के की मेजरमेंट है जैसे अलिफ के आठ हैं और जो भी है व्हाटएवर तो उसको अच्छे से याद रखने के लिए कोई टिप बताइए कि हम कैसे इसको बाय हार्ट याद रखें क्योंकि हम हर दफा तो नहीं ना नापेंगे अच्छा मेरी 41 साल उम्र हो गई है मैं अभी भी पैमाइश कर लेता हूँ अच्छा मैं सोची शायद आपने कोई फार्मूला जरूर निकाल लिया होगा कि इसको कैसे याद रखें पता क्या है मैं अब आपसे ये पूछूं
आप चिकन कढ़ाई बना रही हैं और आपको कैसे याद है कि इसमें कौन कौन से मसाला जार डालेंगे आपकी तो जिंदगी, तो रोज का काम है। तो मैं केड़ा पहली बारी बना रहा बेटा, समझ गए ना। अच्छा ये हल्की हल्की यही है कि जब आप इसे करते रहेंगे ना फिर आपको इसमें महारत आ जाएगी, फिर हर चीज़ रवानी। पहले दिन का आपको बताया था कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो लोगों को बताना पड़ता है कि पीछे हो यो नहीं तो यार जरा चला रहे हैं साइड पे कर देगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है नहीं ये जो बंदा या ये है ये अब प्रोफेशनल ड्राइवर है, नहीं तो जो नया चलाने वाला होता है हालांकि उसके पास फोर व्हील होते हैं चार पहिए होते हैं इसके बावजूद उसकी गाड़ी ऐसी होती है जैसे थोड़ा सा वो नशे में नहीं होती गाड़ी गाड़ी क्योंकि इधर उधर हो रही होती है ना, कभी वो गियर संभाल रहा होता है कभी एक्सीलेटर संभाल रहा होता है कभी वो उसका हैंड ब्रेक पे हाथ आ जाता है कभी इसी दौरान वो किसी खंबे को साइड पे करने के चक्कर में होता है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एराब नहीं लगा रहा, अभी आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें ये देखिए सर एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल है बच्चों जैसा जी। जैसे हम लोगों से लोग पेंटिंग्स लेते हैं, मैं पेंटिंग किसी को गिफ्ट की तो वो मुझसे पूछ लेंगे पेंटिंग को साफ किस तरह करें, कहने मैं कर सादे कपड़े से, कहने हम तो गीले कपड़े से साफ करेंगे उससे सही साफ होती, क्या गीले कपड़े से पेंटिंग खराब नहीं होगी सर। आप कौन? मैं सर नेता। अच्छा ये वो दीदा के नाम से मुझे एक शेर याद आ गया, मैं अगर इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा शेर है और इस अर्ज कर दूं फिर जी सर। कहता है कि कल रात पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, कासा कहते हैं फकीर के उस बॉल को जिसमें वो आगे करके मांगता है, कल रात पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, गौर से सुनिएगा और मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा इसमें, कल रात पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकलख्त इस्तखवाने शकस्ता से चूर था, यकलख्त बिल्कुल एकदम वो जमाने की ठोकरों से टूट चुका हुआ था चूर था, यकलख्त इस्तखवाने शिकस्ता से चूर था, शिकस्ता कहते टूटे फूटे को फारसी जबान का लफ्ज है। इसका तीसरा मिसरा है आई दीदा के देख के चल राह बेखबर, दीदा कहते हैं सदा को आवाज को, आई दीदा के देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरेपुर गुरूर था। कहता है कि दुनिया की हकीकत ये है कि किसी का सर वो पता नहीं कब कब्र में से निकल के तो वो लोग जो थे उसके उस किसी का पांव लग रहा था, कहता मैंने उसे देखा तो वो शिकस्ता हो चुका था ठोकरें लग लग के खत्म हुआ हुआ था, तो उसमें से मैंने उसे उठाया उसमें से आवाज आई, आई निदा के देख के चल रहा बेखबर कि आज तू जिस तरह बेखबर हुआ है कल मैं भी तेरी तरह इसी था कल कभी मैं भी किसी का
सरे पुर गुरूर था कि मुझे भी नीचे देखने की आदत नहीं थी। सारा फोर्स आपका, सारा कंट्रोल इन तीन उंगलियों में है, ये आपको सपोर्ट कर रही है दाबी। ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि उन्हें ये दिखता रहे। अच्छा, ये हम कर रहे हैं हरूफ तहजी की प्रैक्टिस, ये देखें। ठीक है, और आपने सारा कंट्रोल जो है अपनी रिस्ट में रखना है। जब आपने ब्रश से लिखना है तो आपका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो ब्रश की बजाय आपके रिस्ट में होगा, यानी ये मूवमेंट होगी। पीछे से आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी, टिल्ट नहीं करेगी, जहां आप जाएंगे ये तरीका देख लीजिए, आपकी रिस्ट और फिंगर मूवमेंट। और ये जो आर्टिस्ट फिंगर है ये आपको स्टेबल रखेगी कि आपका हाथ कहीं भी शिवरिंग ना आए। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम डिम प्रैक्टिस करेंगे ना अभी, उसके बाद हम इस पर लाइट प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि पेंटिंग भी आ जाए और स्टूडेंट्स को राइटिंग करनी भी आ जाए। हम पता है क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक कलर से हल्के हल्के ऊपर वॉशेस दे रहे हैं।
इनसाइड वर्क है थोड़ा सा, ये कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे लोहे कुरानी, ठीक है। ये हम लिखेंगे ब्रश के साथ, क्योंकि ये हमारी स्पेसिफिक सोच क्लास है, इसलिए हमने सारी की सारी सोच ही लिख रही है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल बारीक ब्रश है और स्ट्रेट है, चिजल नहीं है राबी। okay, आप उसे बाद में करना बेटा, आप इधर देखो जी सर। ठीक है, ये देखे यहाँ से सर आप लिख क्या रहे हैं? लोहे कुरानी लिख रहा हूँ, और चूंकि ये स्पेसिफिक सोच है तो इसमें हमने सोच से ही सोच ही लिखनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये मैंने फ्रोजी में ना ऑकर में थोड़ा सा फ्रोजी डाला है ये राइटिंग करने के लिए, बिल्कुल हल्का सा, और नीचे फिर थोड़ा वाइट ज़्यादा रखा है। अच्छा, मुझे वाइट पे फिर मार्कर कतई तौर पे इस कलर स्कीम से निकलना नहीं। अब मैंने फ्रोजी में यहाँ पर वाइट थोड़ा सा डाल के, ये देखिए थोड़ा सा वाइट डाल लें, और देखिए यहाँ रखे ना बेटा बहुत ज़्यादा, ये देख लें बारीक ब्रश नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने सिर्फ हाथ की फोर्स यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग के लिए। आपने ये जो आर्टिस्ट फिंगर है ना, सबसे छोटी उंगली, इस पे सारा अपना वो रखना है कंट्रोल, और रिस्ट नहीं यूज़ करनी, रिस्ट यूज़ नहीं करनी ड्यूरिंग द राइटिंग। लाइक कैसे नहीं करनी मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि आप ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए ये अगर यूज़ होना है तो फिर एल्बो यूज़ होनी है। हमारा बहुत कम यहाँ से नीचे का पार्ट है, जो एल्बो से नीचे रिस्ट, और सबसे ज़्यादा हमारी ये चार उंगलियाँ, ये रे ये, ठीक है। आपने इसको ख़ास तौर से, ये आपकी ब्रश की लर्निंग है, और इसको आपने कतई तौर पे लीव नहीं करना या इजी नहीं लेना, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि हमसे ब्रश से लिखा नहीं जाता, क्योंकि जो मेरे पास इसका बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है राबी जी सर। सिर्फ ब्रश का कमाल नहीं है, कमाल सारा आपके हाथ का है,
आपने इसे लिखना कैसे है, ठीक है। पहली हर बार मैं यही कहता हूँ कि अल्फाज आपके पास है, ब्रश के पास नहीं है। ब्रश से तो आप चाहे कलर लगाए चाहे लिखे, वो तो ब्रश है, ठीक है। लिहाजा आप कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से ब्रश के साथ लिखे, और उसके लिए बेस्ट ये है कि आप, अल्लाह आपका भला करे आमीन, आपको कलम की प्रैक्टिस होगी तो आप करेंगे, ठीक है जी। राबी ये चार लाइनें होती है, देखिए अलिफ लाम लाम और ये है। बस आपने किसी भी तरह, जो हमारे न्यू कमर्स हैं जिनको अभी ब्रश से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए ये सामान भी है ना, ये देखे मार्कर, स्नोमैन स्नोमैन वाइट पेंट मार्कर है ये, और ये स्नोमैन का ही लेना है आपने, पाकिस्तान में इजी अवेलेबल है, और इसको आपने काट लेना है। इसके काटने की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, ठीक है। अब आइए हम इसके साथ लोहे कुरानी लिख, सर एक्रेलिक के मार्कर से काम चलेगा इसलिए कि मुझे यहाँ ये मिल नहीं रहा। आप कहाँ से हैं बेटा? सर दुबई से। हाँ जी, एक्रेलिक के मार्कर से भी चलेगा।
अच्छा सर ये बताएं कि जब आप ये राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप घर आप तो एक्सपर्ट हैं जी, हम किस किस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ तो वो अब डॉट्स वाली कहानी नुक्तों वाली कहानी हमारे लिए तो चलेगी, लेकिन आपके जहन में क्या चीज उसको आप प्रिसाइज रखते हैं ये वाली राइटिंग करते हुए? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कलब चाहे इतनी मोटी थी या कलब चाहे इतनी मोटी है, रवि आप देख रहे हैं ना हाँ जी, असूल तो असूल तो वही रहेगी ना बेटी, कैसे ये देखिए यहाँ पे रवि मैं बिस्मिल्लाह लिख रहा हूँ, ये बे छोटी ज्यादा लंबी नहीं, फिर इनके दरमियान का गैप जो सीन में पहला एक नुक्ते से कम होता है, फिर एक नुक्ता और ये डेढ़ नुक्ता, असूल वही, और ये बीम, ये बीम का भी वो, ये देखें यहाँ से दो नुक्ते अढ़ाई नुक्ते और यहाँ से पांच नुक्ते, यानी डिपेंड करता है कि आपने हरूफ तहजी कितने अच्छे सीखे, ठीक है। बाकी मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता, बल्कि सोच तो मुझे लग रहा है कि अगले एक दो महीने में हमें ना अपना एक टीचर हायर करना पड़ेगा, ये जो है ना क्या नाम है इनका, इरम, इरम को हमें ना ये वो बहुत खूबसूरत, वो से आठ क्लिक है, वो बहुत शानदार, मजा आया। नहीं वो बहुत शानदार है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं जी सर वीक में दो क्लासेस आपके साथ और दो क्लासेस इरम के साथ होंगी अब इंशाल्लाह मेरी, अल्लाह रहम करे। मैं तो कुछ सीख रही हूँ, रोज प्रैक्टिस करना पड़ती है। नहीं भाई नहीं, ये सब ये इनकी आजदी है, ये सीखी हुई है। नहीं सर मैंने नहीं सीखी, हम भी तो मुस्तफीद हो ना, इतनी अच्छी ब्राइट बिल्कुल बिल्कुल हक बनता है, हक बनता है, बल्कि इन्हें चाहिए ये आप आपकी जो मिस्टेक्स है ना, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है माशाल्लाह और इनको बहुत अच्छा काम होता है, तो ये आपकी अगर ग्रुप में हेल्प करे ना इक्का दुक्का कोई सब सब जाने में तो बड़ी ये इबादत है, और बल्कि मैं तो इन्हें देख रहा हूँ कि इन फ्यूचर इन्होंने भी चैनल शैनल बना के ऑनलाइन बच्चियों को सिखा रहे हो बेसिक लेटर्स वो जरूर मैंने सीखे, लेकिन ये कि मुझे अभी ज्वाइनिंग में मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिख पाती मैं, इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। ये मार्कर है और ये ब्रश है, ये ब्रश है, ये पीछे सारा ब्रश है, ये ब्रश है और ये ब्रश है, ये मार्कर है, क्योंकि ये मिक्स मीडिया है ना, ये आपके लिए आप मार्कर भी यूज कर सकते हैं, बल्कि गोल्ड पे तो आपने करना ही मार्कर यूज है। ये देखें ये है क्लासिक रबी, क्लासिक ऑयल कलर ब्रंट अंबर, ब्रंट अंबर 221 नंबर, 223 है, मैं भूल भी गया, बड़ा अरसा हुआ यूज नहीं किया, 223 ब्रंट अंबर क्लासिक ऑयल,
ये मैं इसके आउटलाइन में लगा रहा हूँ अभी, बर्न करने के लिए ना, बर्न पेपर बनाने के लिए, ठीक है? ये आर्ट में सबसे खूबसूरत शाहकार ये होता है राबी। अब ये पता है क्या करेगा, ये जो ब्रंट नंबर है ये इन आउट निकालेगा, यानी कौन से अल्फाज पीछे जाएंगे, कौन से अल्फाज उन्हें हम आगे रखेंगे। आप जरा गौर करें, ये ऑयल कलर है जी बेटा, ये ऑयल कलर है। आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं तैयबा बात कर रही हूँ, आपकी न्यू स्टूडेंट। जी तैयबा बेटा, ये देख रहे हैं मैं एक्रेलिक पे ही चला रहा हूँ कलर। अब आपने जो चीज इसमें नोट कर दी है वो ये है कि अभी इसे थोड़ा सा और ट्रेवल होने दें, उसके बाद देखिएगा कि इस पेंटिंग में इन दी एंड क्या दास्तान बनती है, ठीक है? ये ऑयल और एक्रेलिक मिक्स मीडिया है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ये ना चले, आपको किसी ने गलत गाइड किया। कैनवस पे कैनवस का हर मटेरियल चल सकता है, सिर्फ ये है हत्ता कि मैं आपको ऑयल पे एक्रेलिक चला के दिखाऊँगा, इंशाल्लाह आगे कहीं मौका मिला तो आपको ऑयल पे एक्रेलिक चला के दिखाऊँगा। जी आप ब्रश किस में डिप कर रहे थे? ये मट्टी का तेल है बेटा, मट्टी का तेल है, क्योंकि ये देखिए हमने पेंट को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बस बाद में ब्रश से ऑयल को अप्लाई करना तो वो बह के नीचे आ जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी, पेंट आपने थिक लगाना है, मगर क्या है कि आपने बाद में मट्टी के तेल के साथ उसे ब्लर कर देना, ठीक है? और इसकी सारी साइडें आपने गौर से देख रही है कि मैं कैसे कैसे रोटेट कर रहा हूँ ना इसको, पेंटिंग को। ठीक है बेटी राबी? यस सर, सबको समझ ठीक है। इन ऑयल है मार्कर की इंक से मिल जाए तो नहीं होती क्या? कह रहे उससे मिलने से तो नहीं होगा, लेकिन आप जब उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद केरोसिन ऑयल लग जाने के बाद उसको रब करने की कोशिश करेंगे तो मार्कर मिट जाएगा, चाहे वो परमानेंट मार्कर है या फिर पेंट मार्कर है। ये देख ले रावी, ठीक है ये देखिए राबी, ये हमने प्लेस ही इसीलिए छोड़ा है, ये देखें, और ये ऐसा बनाएंगे ना कि पेंटिंग का जो असूल है उसके मुताबिक रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाए। ये देखें अब एक साइड से ऑयल पेंट है, बिल्कुल ऑयल पेंट, बिल्कुल ऑयल पेंट।
अगर जहाँ पे ये कलर हल्का है उस वक्त आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, मिट्टी का तेल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी का तेल ऐड कर रहे हैं। मिट्टी का तेल ही तो आपने, इसमें स्टोरी सारी मिट्टी के तेल की है। अभी आप ये देखिएगा, ये अगर आप ऐसा बनाते हैं, ये इब्तदा है, मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। ये मैं किसी दिन आपको चारकोल से बनाना सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मगर ये याद रखिए कि ये इब्तदा है, और अगर आपको इसकी एनाटॉमी समझ आ गई तो कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा रबी, ये देखें आप यहाँ पर मैं एक बॉर्डर छोड़ दूंगा, रबी ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ अल्लाह अल्लाह का जिक्र करके। रवि देखिए, मैं डिम कलर से ना ऑर्नामेंट स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ये देखिए बहुत डिम से करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे क्लियर कर। पर आपने ये कौन सा शेड किया था ब्लू का? ये फ्रोजी स्काई ब्लू और वाइट। इसमें एक बात का ख्याल रखना है रबी, स्ट्रेट लाइन कोई नहीं होनी चाहिए जी सर। ये जब भी ऑर्नामेंट बनाने हैं ये इस तरह ही चल रही है सारी, ठीक है। ताकि इसे थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाए, डिफिकल्ट से मुराद 3D। ये देखे सेकेंड लेयरिंग कर रहे हैं आप, है ना सर? जी ये बहुत डिम रखना है, ये नॉन विजिबल करना है यहाँ पे जो भी काम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं करना, मैं एंड पे बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अब सर जी ये एक्रेलिक कलर्स ही है ना? ये सारे एक्रेलिक है, सिर्फ वो ब्रंट अंबर जो था ना ये ब्राउन, यही यही ऑयल था। ठीक है, थैंक यू सर।